बुलंदशहर बैंक डाकघर आदि में चोरी की वारदात कारित करने वाले लुटेरों से पुलिस की मुठभेड़। मुठभेड़ के दौरान मध्य प्रदेश निवासी विक्की और प्रिंस पुलिस की गोली के लगने से हुए घायल। बीते दिनों में आरोपियों ने डिबाई के डाकघर से चोरी किए थे 7 लाख रुपए। नरोरा में स्टेट बैंक की मिनी शाखा से भी इसी गैंग के सदस्य ने उड़ाया था 3 लाख रुपये का बैग। पुलिस का दावा, सिकंदराबाद के स्टाम्प विक्रेता का नोटों से भरा बैग भी इसी गैंग में किया था चोरी। मध्य प्रदेश का 9 लोगों का गैंग बैंक डाकघर आदि में उपभोक्ता बनकर कारित करता था वारदात। आरोपियों से 48,000 रुपये, 2 तमंचे, 4 खोखा व 1 जिंदा कारतूस किए बरामद। बुलंदशहर की डिपाई पुलिस की बैलोन त्रिलोकपुर त्राहे पर देर रात हुए मुठभेड़। आज रात्रि में बेलून गांव के पास थाना नरोरा थाना डिबई दायसूजी देहात की टीम के द्वारा चेकिंग की जा रही थी। इसी दौरान 2 संदिग्ध व्यक्ति त्रिलोकपुरी गांव की तरफ से आते हुए दिखाई दिए। पुलिस को देख वे व्यक्ति भागने लगे। पुलिस द्वारा रोकने के लिए आवाज़ दी गई तथा उनको भागता देख पुलिस के द्वारा उनका पीछा किया गया। उनको पुलिस से गिरता देख उन व्यक्तियों के द्वारा जान से मारने की नीयत से पुलिस पार्टी की उनका फायरिंग कर दी गई। आत्मरक्षार्थ जवाबी कार्यवाही में पुलिस पार्टी के द्वारा भी फायर किया गया। फायरिंग रुकने के बाद मौके पर जाकर चेक किया गया तो 2 व्यक्ति घायल अवस्था में पड़े हुए थे जिनके पैर में गोली लगी थी। प्रारंभिक पूछताछ में दोनों व्यक्तियों के द्वारा अपने नाम विक्की पुत्र राजू निवासी थाना बूढ़ा जनपद राजगढ़ मध्य प्रदेश एवं प्रिंस पुरुषोत्तम निवासी थाना बूढ़ा जनपद राजगढ़ मध्य प्रदेश बताया गया। इन लोगों के द्वारा बताया गया कि यह गैंग बनाकर बैंकों में डाकघरों में एवं उसके आसपास ग्राहक बनकर जाते हैं तथा चोरी की घटनाएं कारित करते हैं। अभी हाल ही में नरोरा तथा डिबई में बैंकों में जो घटनाएं हुई थी उसमें भी इन लोगों के द्वारा कारित करना बोला गया। इनके द्वारा यह भी बताया गया कि यह व्यक्ति अलीगढ़ हाथरस जनपद बुलंदशहर में अन्य घटनाएं भी कारित कर चुके हैं। इनके पास से 2 अवैध तमंचा, 315 बोर, 4 खोखा कारतूस, 1 जिंदा कारतूस एवं 1 बैग बरामद हुआ है। बैग में लगभग 48,500 रुपये एवं कुछ आधार कार्ड डॉक्यूमेंट्स बरामद हुए हैं जिनकी जांच की जा रही है। दोनों घायल व्यक्तियों को उपचार हेतु भेज दिया गया है एवं इनके संबंध में विस्तृत पूछताछ एवं अग्रिम वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की।